इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन जिले से आ रही है, जहां टेमला रोड से डोंगरगांव की ओर श्रीखंडी से इंदौर जाने वाली बस डोंगरगांव पुल के नीचे गिर गई है, जिसमें खबर लिखे जाने तक 15 से 20 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। एक्सीडेंट की खबर लगते ही खरगोन विधायक रवि जोशी भी मौका स्थल पर पहुंच गए और वहां का हाल जाना और घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाने में मदद की। खरगोन कलेक्टर और एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। खरगोन जिले के ग्राम श्रीखंडी से इंदौर के लिए निकली यात्री बस डोंगरगांव के समीप हादसे की शिकार हो गई। करीब 30 फीट ऊंचाई से बस नदी में गिरी, जिससे यात्रियों को गंभीर चोटें आई। सूचना के बाद जहां जिला अस्पताल सहित प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं घायलों के परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी अनुसार हादसा इतना दर्दनाक था कि कई यात्री बस में फंसे रह गए, जिन्हें मशक्कत के बाद बस से निकाला जा सका। ग्रामीणों ने बिना प्रशासन की मदद की राह देखे बचाव कार्य शुरू किया और निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि किसी के रिश्तेदार शादी में तो कोई मजदूरी तो कोई रिश्तेदारों के यहां जा रहा था। समाचार लिखे जाने तक जिला अस्पताल में 10 लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें महिला पुरुषों के साथ बच्चे शामिल है। वहीं जिला अस्पताल से 3 लोगों की पुष्टि की गई है, जबकि घटना स्थल पर 15 लोगों की मौत के समाचार है। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। भगवान दसंगा के बीच में पुल से गाड़ी नीचे गिरी। कितना ऊंचाई से पुल है, कितना ऊंचा है? कम से कम वो ऊंचा है 40 फीट, 40 से 50 फीट के समथिंग। सवारी बैठी थी इसमें? सवारी तो उसमें बहुत ज्यादा थी। अब बता रही है कि 16 जून को डेट हो गई है। आपके परिवार से? मेरे परिवार से 4 व्यक्ति थे, 4 से 5 व्यक्ति। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी। कहाँ जा रहे थे? ये वहाँ जा रहे थे धामनोद शादी में, वही बस पलटी गई। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाटीदार, सोनीपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।